हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। हैप्पी संडे बनाइए। क्या बात है, कौन सी खास न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है? भाई, संडे को अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है तो मन खुश हो जाता है। होता है या नहीं होता है? चलिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है अच्छी बुरी चलती रहती है, लेकिन हम तो दुआ करेंगे कि आपकी रियल लाइफ में आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलें। संडे होता ही इसीलिए है कि घर में जो है घर वाली के काम में हाथ बटाइए या फिर घर वाली के ताने सह लीजिए। देखिए, एक संडे होता ही ऐसा, हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की यही न्यूज़ है। चलिए, तो फिलहाल हम आपको एंटरटेनमेंट के टॉप 10 शो में बताने वाले हैं कि क्या जबरदस्त ट्विस्ट देकर TRP को बढ़ाने का पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्यारे कुंडली भाग्य की। ZEE TV का नंबर 1 शो कुंडली भाग्य, या ये कहें कभी ये जो है नंबर 1 रहा करता था BRC में भी, लेकिन कुछ टाइम से इसके हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोई नहीं, हालात सुधारे जा सकते हैं और उन्हीं हालात को सुधारने के लिए पुरानी कास्ट धीरे धीरे एंट्री कर रही है। ऐसे में अंजुम जो है, यानी कि आपकी जो प्रीता की बहन है षष्ठी, वो आ चुकी है। अच्छा, वो देखेगी कि इन्होंने लुद्रा फैमिली ने करण और मेरी बहन का क्या हाल किया, मेरे परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब जो है भैया, षष्ठी का गुस्से से तो बस समर ही बचता था अभी तक, समीर जो भी है, लेकिन अब तो जो है आपके जो करण लुद्रा की पूरी फैमिली है उससे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि भैया षष्ठी उनकी सबकी बैंड बजाने वाली है। चलिए, अब दूसरा है आपका कथा अनकही। भाई, कथा अनकही की कहानी बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बेटे को भी पता चल गया है मेरी मम्मी का जो बॉस है वो मेरा ही हीरो है। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है यार, इतने टाइम से सब कुछ चल रहा था। चलिए, वहाँ ट्रैक जो भी है, लेकिन फिलहाल आपके जो है कथा और जो है उनके जो बॉस हैं वो डेटिंग पे जाएंगे और वहाँ उनके सास ससुर देख लेंगे। एक सास ससुर आपके जो है कथा की, कुछ नहीं होगा जो बाकी शो में होता है ना, ड्रामा होता है, वैसा नहीं होगा। वो तो चाहेंगे कि कथा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। फिर आधा आपका पांडे स्टोर को देखने को मन ही नहीं कर रहा यार, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेशन लीप का प्रोमो इन लोगों ने पहले ही दे दिया है, तो फैंस को पता ही चल गया ये होगा ये होगा, ये तो मरेंगे, ये होगा वो। देखिए, मरने से पहले अगर प्रोमो किसी नई चीज़ का आ जाए तो यार ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही होगा। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि जो है आप ऐसी चीज़ कीजिए ताकि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाए। तो ऐसे में पांडे स्टोर में जो है प्यारे जो पूरी फैमिली है वो मर जाएगी और एक नई कहानी की शुरुआत होगी नए तरीके से। फालतू में जो है न्यूज़ आ रही है भैया, फालतू की शूटिंग बंद हो गई है। क्यों हो गई है, वजह हम लाइव में बताएंगे, बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें फालतू में अब जब प्रॉब्लम फालतू में पड़ जाएगी, फिर नील आएगा, उसको बचाएगा हीरो की तरह, और फिर जो है सच सबके सामने आ जाएगा। फैंस शॉक हो जाएंगे कि टॉप 5 पे जो शो है उन पे भी ताला लग सकता है। क्यों लग सकता है, लाइव में पूरा डिटेल बताएंगे। फिर आता है आपका इमली यार, क्योंकि जो है जब इमली आता है ना तो फैंस कहते हैं यार इमली में दिख क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता। सोसाइटी है यार, लक्षण लगाना तो नॉर्मल ही है यार। तुम भी अगर 4 औरतों में तुम्हारी मम्मी या आंटियाँ खड़ी हो जाती होंगी तो पक्का पड़ोसियों की बुराई करती होंगी या अपने रिश्तेदारों की बुराई करती होंगी कि पता है ऐसे है फलाने के नहीं, हमने तो इतना करा है, आज के बच्चे तो कर ही नहीं सकते। अरे, आज के बच्चे जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते या आपने नहीं किया। ये एक कहावत है कि जो कहते हैं ना, जितना हमने कर लिया ना इतना करके दिखा दे कोई, ये वर्ल्ड एक डायलॉग है। तो वैसे ही बिल्कुल इमली में देखने को मिलने वाला है। बेचारी जो है इमली है वो ताने सहेगी, क्योंकि जो है भाई उसका पति नहीं है, तो ऐसे में भाई फिर अथर भी आएगा उसकी इज्जत संभालने के लिए। लोग तो एक से एक कीचड़ उछाल देते हैं ना, वही ट्रैक देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें जो है धैर्य की एंट्री होने वाली है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। आपके ये है चाहते की कहानी, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि मैं क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ। ऐसे में काशवी और जो है कबीर को साथ देखकर अर्जुन का दिल खोल जाएगा।
और जब वो कहीं ना कहीं कोई चुपके से जाकर देखेगा तो बाबूजी नजर आएंगे बाबूजी, और जमीन तले पैरों से निकल जाएगी और मेयो स्ट्रीट यार भी बढ़ जाए। फिर आता है आपका प्यारा कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य में भाई अब जो है रिया हो या फिर आपके प्यारे रणबीर, उनका लुक चेंज होने की बात हो गई है। रणबीर का तो लुक काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, रिया का भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है आपका प्यारा सा कुमकुम भाग्य के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता। मैं मंजरी सोचेगी भैया का तो मैं इसको अपने घर की दोबारा भाऊ बनाने की सोच रही थी, अब मैं इसको अक्षरा को और अबीर को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। ये जो दो दिन का मिलने का कोर्ट ने ड्रामा दे रखा है ना, मैं ये भी ख़त्म कर दूंगी और जो है वो उससे हक छीन लेगी। फिर अक्षरा क्या करेगी, फिर अक्षरा अपना कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के खुद कोट पहन कर आएगी, यही होगा ना, काला कोट पहन के आएंगी तो काली कानूनत दिखाएंगी क्या होती हैं। फिर आता है आपका प्यारा गुम है किसी के प्यार में। लीव के बाद कहानी फैंस को कितनी पसंद आ रही है आई डोंट नो, टीआरपी साफ दिख रही है, सब कह रहे हैं यार शौर्य अनोखी की कहानी देख रहे हैं हम तो, बस यार क्या दिखा रहे हैं फालतू का यार। इन्हें कहानी ऐसी लानी चाहिए थी जो काफ़ी पुरानी है, आपने अगर देखी होगी, ये तो अभी लेटेस्ट ही देखी है शौर्य अनोखी की कहानी, जहाँ फैंस ने थोड़ा सा भूलना ही शुरू किया था फिर से मन में आ गए देवी शाखी कब एक होंगे या कब जो है हमें नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे, उन्होंने तो उनकी जोड़ी को पॉपुलर करते जा रहे हैं। तो ऐसे में सावी सब कुछ छोड़ छाड़ के एडमिशन के लिए जाएगी और ईशान पूछेगा कैसे आई हो क्यों आई, तो कहती है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, तो कि तुम तो वैसे ही धोखेबाज हो, जो अपने परिवार को छोड़ के आ सकती है तो वो कॉलेज के लिए फिर क्या करेगी, डॉक्टर बन के या जो है IPS बन के क्या फैसले ले लेगी। भाई ये भी बात सही है क्योंकि बेचारे का दिल पहले से ही वो है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसकी माँ छोड़ के चली गई, ऊपर से लड़की आती है ये भी कहती है मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो यार ऐसे में एडमिशन देना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एक सबसे बड़ा सवाल है अनुपमा का, क्या वाकई ही अनुपमा का बेटा समर मर गया है या किसी काम के लिए जो है लाइफ में बाहर गया है, यानी कि रियल में जो है आपके अनुपमा के जो बेटे हैं उन्हें कुछ काम था और वो थोड़े टाइम के लिए शो में काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सीन इसलिए दिखाया गया है सिर्फ डिम्पल ही डिम्पल दिखाई जाएगी, डिम्पी है ना डिम्पल, जो भी है आप देख रहे हैं आपको पता है। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले गूगल पे चल रहा है, ये अनुपमा का सपना होगा क्योंकि शाह परिवार मुंह लटका के खड़ा है, अनुपमा आती है समर कहाँ है, और अनुपमा का बड़ा बेटा तोशु कहता है समर अब नहीं रहा है। आई कॉन्ट बिलीव यार, समर का करेक्टर कैसा होगा ये तो पता नहीं, फैंस को दिल को छू रहा है नहीं छू रहा, डिम्पी का जरूर छू गया है। बेचारी अनुपमा नृत्य क्लास लेते लेते जो है इधर पहुँच गई है, क्या चल रहा है। तो ये हैं आपके कुछ टॉप 10 शो, इनमें से आपको क्या लगता है TRP किसकी बढ़ेगी, या किसी की TRP नहीं बढ़ने वाली है या इसकी तो पक्का बढ़ेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।